ये देख रहे हैं आप दिसंबर 2016 का एग्ज़ाम पेपर इंग्लिश का ओपन राज्य एमपी बोर्ड का तो चलिए देखते हैं इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आए थे इनको देख लेते हैं फटाफट मिल्क इज़ द बेस्ट फूड इट हैज़ वाटर शुगर फैट विटामस एंड प्रोटीन इन इट ये वाला पैसेज है इसको पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद में समझदारी से इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं यहाँ पे दे देना है इन हॉट ड्राई प्लेसेस लाइक यूएई ए देयर आर कैमल्स और कैट ये आपको बताना है सेकेंड है द एस्कोस हैव डैश ऑफ रेनडियर्स तो इसमें ग्रुप है या हर्ड है या बताना है वाट इज़ द बेस्ट फूड ये बताना है मिल्क बता रहे हैं कि बेस्ट फूड है इसके इस स्पेसिस इस के हिसाब से वाट डू पीपल मेक फ्रॉम मिल्क और पाँचवा है वाट डज मिल्क हैज़ इन हीट ये आपको बता देना है तो मिल्क में क्या क्या है फैट है शुगर है वाटर है विटामिन है प्रोटीन है सब कुछ है क्वेश्चन नंबर टू में आपको फिर से अशोका रूल अशोक के रूलरिंग के बारे में बताया गया यहाँ पेसेज पढ़ना है और ये जो फ़िलअप्स हैं या फिर मतलब ये कहिए कि क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स आपको दे देने हैं तो ये क्वेश्चन के आपको आंसर्स देने हैं जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ हाउ डूड सॉरी ओनली लव एंड डैश कुड ब्रिंग द ट्री हैप्पीनेस ये ट्री नहीं होके ट्रू हैप्पीनेस होना चाहिए मिसप्रिंट है इंडियाज़ फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग वाज कौन था चंद्रगुप्त था या अशोका था यह आपको पैसेज से मिलेगा हाउ डिड अशोका रूल ये बताना है डिड अशोका बिलीव इन वार और पाँचवा है वाट कुड ब्रिंग ट्रू हैप्पीनेस ये ट्रू हैप्पीनेस था ऊपर वाला जो मैंने बताया था तीसरे में भी आपका पैसेज है ए मैन विदाउट डिसिप्लिन वाला इसको भी आपको पढ़ना है और यहाँ दिए गए क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर्स आपको देने आराम से इस पैसेज को पॉज करके पढ़ लेना और इन आंसर को दे देना सेक्शन बी जो ग्रामर सेक्शन उसको देखते हैं हम <coughs> तो ग्रामर सेक्शन में आपका जो है इसमें पहले राइटिंग सेक्शन है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम इन योर ब्रदर्स मैरिज और ऑप्शन में है राइट ए एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर टी सी ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको इशू करने के लिए पांचवा है प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन एक्सीडेंट सीन यू हैव सीन ऑन द रोड और ऑप्शन में राइट शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर क्लास इन अबाउट सिक्सटी वर्ड इसके बाद में आपको किसी भी एक टॉपिक पे जो है ये पैराग्राफ बनाना है सिक्सटी वर्ड्स का पोल्यूशन है साइंस ऑन एज ए बून है या होली है माई होबी है अभी इस बार कोविड नाइन्टीन का भी आ सकता है तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस तैयार करने चाहिए सेक्शन सी में सी इज़ बाइंग ए पेंसिल आ जाएगा यहाँ पे एन नहीं आएगा और इसके बाद में द बाइबल आ जाएगा द बाइबल इज़ ए होली बुक क्योंकि बाइबल एक ही है ही वाज सिटिंग ऑन द बेंच इन द नहीं आएगा द बुक वाज केप्ड अमोंग द टू रजिस्टर्स तो ये अमोंग नहीं आएगा बिटवीन आएगा बिटवीन द टू रजिस्टर्स इसके बाद में पाँचवा है दे डैश ए फुटबॉल मैच टूडे तो दे प्ले ठीक है प्लेज नहीं आएगा क्योंकि दे आ गया तो ई एस या ई एस नहीं लगता जब बहुवचन होता है तो सी इज डैश ए स्वीट सॉन्ग तो सी इज़ सिंगिंग आएगा ठीक है सी इज़ सिंगिंग इज आ गया है तो इसके साथ जो है आपका कंटिन्यूस फॉर्म आ जाएगा सातवा है द एवरेस्ट इज द डैश पीक इन द एवरेस्ट तो हाइएस्ट आ जाएगा हाइएस्ट इसके बाद में आ जाएगा सातवें में आपका ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी द बेस्ट आ जाएगा यहाँ पे बेटर नहीं आएगा और सोहन इज टॉल बट मोहन इज शॉर्ट और नहीं आएगा यू डैश मी आर गुड फ्रेंड्स तो यू एंड मी आ जाएगा यहाँ पे ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन आए थे डू एज डायरेक्टेड में आपको पहले में आपको चेंज द नरेशन कर देना है दूसरे में मेक क्वेश्चन विद बिगनिंग विद वेयर आपको बताना है और सी इज़ ए गुड गर्ल तो मेक नेगेटिव कर देना है तो सी इज़ नॉट ए गुड गर्ल यहाँ पे आप कर सकते हैं मेक इंट्रोगेटिव आपको इंट्रोगेटिव दे आर रनिंग फास्ट तो यहाँ पर आपको यहाँ पे आपको इसको इंट्रोगेटिव बना देना है रिराइट यूजिंग पास्ट टेंस तो पास्ट में बनाना है तो ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज होमवर्क तो ये आप इसको पास्ट टेंस में करेंगे तो दम द होमवर्क वॉज कम्प्लीटेड बाई हिम आ जाएगा इसके बाद में दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे तो री राइट यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस प्रजेंट कंटिन्यूअस में तो आई एन जी लगेगा तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल ऑन एवरी संडे ठीक है इसके बाद में सुनील हैज अराइव्ड तो मेक नेगेटिव है तो इसमें भी नोट लगा देंगे नाइन्थ क्वेश्चन है फिल करना है तो देयर आर सिक्सटी इन माई क्लास तो सिक्सटी स्टूडेंट्स हो जाएगा स्टूडेंट नहीं होगा ज़्यादा है इसलिए स्टूडेंट्स हो जाएगा हाउ डैस फ्रेंड हैव यू गोट तो हाउ मैनी आ जाएगा इसमें डू यू हैव डैस मनी तो डू यू हैव एनी मनी आएगा सम नहीं आएगा पीपल ऑफ़ जापान डैस डिसिप्लिन तो पीपल ऑफ़ जापान आर डिसिप्लिनड आर आएगा इसमें और आई हैव सम फॉर यू तो आई हैव सम बुक्स फॉर यू ठीक है बुक्स आएगा सब पूछा है इसलिए सब में एक बुक तो आएगी नहीं सेक्शन डी में रीड करना एक्सट्रैक्ट को और नीचे दिए गए आंसर्स देने हैं तो वन डे आई सॉ ए स्मॉल स्नैक इन द कंपाउंड वाला ये पूरा पढ़ना है और यहाँ पर वन डे आई सॉ स्नैक आ जाएगा आंसर में इसका पहले में और दूसरा आई मूव्ड क्विकली फार है ना फार बोलना है तो इसमें फ़ार या अवे तो यहाँ पे यहाँ पे जो आप देखेंगे तो इसमें अवे आया है तो अवे भरना है आपको इट वाज स्लोली तो इट इट मूविंग आ, तो यहाँ पर आपको द नियर से तो, तो इसमें आपको क्राविंग या वॉकिंग आएगा तो यहाँ पे देखना पड़ेगा क्राविंग आएगा वॉकिंग तो कर नहीं सकता तो इसमें क्राविंग ही वर्ड होगा आपको देखना पड़ेगा एक बार सर्च करना पड़ेगा इस पूरे जो है इसमें पैसेज में इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है वाट वॉज क्राविंग स्लोली तो यहाँ पर स्नैक आंसर आ जाएगा ठीक है इस तरह से आपको आंसर देने थे इसी तरह से दूसरा जो आपका ग्यारहवें क्वेश्चन में भी पैसेज है इसको पढ़ना है वन डे राम आए सौ ए स्मॉल ब्राउन स्क्वायरल स्क्वायरल का है फिर राम का है ये राम ने स्क्वायरल देखा उसके पीछे धारियाँ थी ये वाला जो है आपका आया हुआ है तो इसमें फिलअप्स करने हैं फिलअप द ब्लैंक्स तो इनके सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं तो ये ग्रेट डैश वाज कैरिंग ए लार्ज स्टोन तो वो कौन था मंकी था रामा वाज सौ ए स्मॉल ब्राउन uh, स्क्वाल यहाँ पे लिख देंगे द स्क्वेरल केम इन द वे ऑफ मंकी और रामा रामा और हु जम्प्ड बैक तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन सा है इस तरह से और बारवा क्वेश्चन जो है आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग तो व्हाट अकॉर्डिंग टू तेनाली रामा वाज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड और दूसरा है व्हाट डू यू नो अबाउट अंजू दुआ और तीसरा है आई वाज कंडीबा वीक एंड ट्राइड टायर्ड तेरवा है वाट डिड मैंडल मैंडल रियलाइज़ आफ्टर हिज एक्सपेरिमेंट विद बी और ऑप्शन में गिव टू रीजन्स वाई गांधी जी डिसाइडेड टू कॉन्फेस्ट टू हिज फादर और इसके बाद में इस चौदह क्वेश्चन में इस एक्सट्रैक्ट को यानी कि छोटी सी कविता इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में नीचे दिए गए जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स आपको पुटअप करने हैं ठीक है ये रहा आपके क्वेश्चन इसके बाद में पंद्रवा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट ट्वेंटी वर्ड्स हैं इसमें से कोई भी पांच देने हैं तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं इनके बाकी आपके सॉरी फाइव मार्क्स ईच है पांच नहीं देने तो व्हाट वाज़ द टाल ट्री वाचिंग और विच वर्ड डिस्क्राइब द कैट्स आई और सोलवा है आंसर करना है इसको तो ये तीन तीन नंबर के हैं टाइम डू द वीवर्स वीव द रोप्स ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी और हाउ डज पोएट डिस्क्राइब द विंग्स ऑफ बीज एंड बटरफ्लाइज और तीसरा है वेयर डज़ द हेड एंड द फीट ऑफ द ट्रीज रेस्ट ये है आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का 2016 दिसंबर में आया हुआ तो आपके सारे क्वेश्चन पेपर्स देखना ना भूलें आपको बहुत हेल्प मिलेगी थैंक यू वेरी मच